हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हमारा प्लास्टरिंग वर्क चालू था। प्लास्टरिंग वर्क होने के बाद हमने प्राइमरिंग वर्क चालू किया था। प्राइमर के दो कोट इधर हमारे हर एक साइड पे लगेगा और इधर दूसरा कोट हमारा लेबर लगा रहा है। प्राइमर एक तो वाटर बेस में आता है और एक थिनर बेस में आता है, और हमने थिनर बेस प्राइमर यूज़ किया था, मतलब थिनर डाल के उसको पतला करके लगाना पड़ता है। और दूसरे साइड पर हमारा लेबर एपीपी मेम्ब्रेन ऊपर चढ़ा रहा है, और वो चढ़ाने के बाद हमने पूरा एपीपी मेम्ब्रेन एक के ऊपर ऐसा स्लैब के ऊपर बिछा दिया, और 4 इंच का गैप, इसको 4 इंच का ओवरलैपिंग भी हमने दिया था इसको। और इधर हमारा लेबर दूसरे साइड पे एपीपी मेम्ब्रेन ऊपर चढ़ा रहा है, और 1 मीटर बाय 10 मीटर और 4 mm थिक का ऐसे एक एक रोल रहता है, बहुत हैवी रहता है, तो हमारे लेबर लोग इसको जोर शोर से ऊपर चढ़ा रहा है। टोटल इस साइड को हमारा 40 रोल लग गया था। उसके बाद हमने वो पूरा एपीपी मेम्ब्रेन स्लैब के ऊपर बिछा दिया। 1 मीटर का गैप इधर भी हमने लिया था, मतलब 1 मीटर के अंतर पे हमने इसको बिछा दिया, और 4 इंच का ओवरलैपिंग दिया था, मतलब पानी, बारिश का पानी इसके अंदर जा ना सके। तो हमारा मेन पर्पस प्राइमर का यही रहता है कि रूफ और हमारा एपीपी मेम्ब्रेन दोनों के बीच में बॉन्ड बना रहे। तो हमारा मिस्त्री इसको जला के चिपका रहा है, और ये बिटुमिनस का एक 4 mm थिक का लेयर भी रहता है और 3 mm में भी आता है, तो इधर हमने 4 mm का यूज़ किया है। और ये पूरा चिपकाने के बाद इसको जो हमने 4 इंच का ओवरलैपिंग लिया था उसको भी हम सील पैक करेंगे। इधर इधर जैसा सील पैक हो रहा है वो भी पूरा ओवरलैपिंग सील पैक होगा। तो हमारा मिस्त्री इसको ओवरलैपिंग कर रहा है क्योंकि पानी अंदर जा ना सके। इसके बाद इसके ऊपर एक प्राइमर का कोट हम लगाएंगे शाइनिंग बेस अच्छा दिखने के लिए, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।